बिकनी किलर द सर्पेंट इस नाम से जाने जाते थे चार्ल्स स्वराज। चार्ल्स स्वराज को 1976 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसे बाद भेज दिया था तिहाड़ जेल। फिर 1986 में वो तिहाड़ जेल से भाग गया और इसके ठीक 12 दिन बाद वो गोवा के एक रेस्टोरेंट से गिरफ्तार हुआ। उसे गिरफ्तार होने के बाद वो 1996 में उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर ये कहा कि मेरा जन्मदिन है और उसके बाद मिठाई बांटे, केक खिलाई और उस केक में बेहोशी की दवा मिली हुई थी जिसे वहाँ के गार्ड ने भी खाया और वो फिर फरार हो गया। 2003 में वो नेपाल में पकड़ाया और 20 साल बाद अब उसके रिहाई के आदेश आ गए हैं। अब चार्ल्स स्वराज फिर से जेल से बाहर हो रहा है। अब चार्ल्स स्वराज की उम्र भी 78 साल की हो गई है। इस बिकनी किलर की कहानी काफी रहस्यमयी है। इसे जितना भी हम खंगालने की कोशिश करते हैं रहस्य की परतें खुलती तो जरूर है पर यह पता चलता है कि रहस्य और भी बाकी है। चार्ल्स स्वराज पर कई लोगों ने फिल्म बनाने की कोशिश की लेकिन उन पर 2015 में एक फिल्म बनी मैं और चार्ल्स। आज हम बात करेंगे चार्ल्स स्वराज पर कितने लोगों ने कोशिश की फिल्म बनाने की और क्या हुआ जब रणदीप हुड्डा चार्ल्स से मिले। हेलो और नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड चैनल, मैं हूं गोविंद। जब पंकज पराशर अपनी फिल्म जलवा की शूटिंग कर रहे थे गोवा में तो शूटिंग के दौरान ही चार्ल्स स्वराज की गिरफ्तारी हुई थी। पंकज पराशर इस रहस्यमय व्यक्ति पर फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने वो टेबल भी देखा जहां से चार्ल्स स्वराज को गिरफ्तार किया गया था और उनके मन में इरादा था कि चार्ल्स स्वराज को लेकर फिल्म बनाई जाए लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में एक और प्रोड्यूसर ने डैनी को लेकर इस फिल्म को बनाने की घोषणा की। वो चाहते थे कि डैनी इस फिल्म में चार्ल्स की भूमिका करे, डैनी भी तैयार थे लेकिन ये प्रयास भी नाकामयाब रहा। और उसके बाद चार्ल्स स्वराज को लेकर कई निर्माताओं ने कोशिश की, कभी सैफ अली खान को लेकर घोषणा हुई तो कभी राहुल राय को लेकर घोषणा हुई लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली। संजय दत्त को लेकर जब एक बार इस फिल्म की कोशिश की गई, संजय दत्त इस किरदार को लेकर काफी आश्वस्त थे और उन्हें लगता था कि वह इस किरदार को निभा लेंगे। काफी उत्साहित संजय दत्त उनसे मिलने पेरिस भी चले गए थे। और चार्ल्स स्वराज से मिलने के बाद चार्ल्स स्वराज ने कहा कि गुड कास्टिंग, मुझे लगता है कि अब मेरी कहानी पर्दे पर आ जाएगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ वो फिल्म आगे नहीं बढ़ी। और इतने प्रयास के बाद जाकर 2015 में जब चार्ल्स स्वराज की फिल्म मैं और चार्ल्स रिलीज हुई तो उसके पहले भी रणदीप हुड्डा और प्रोड्यूसर डायरेक्टर को काफी परेशानी हुई चार्ल्स स्वराज की जीवनी पर फिल्म बनाने के लिए। रणदीप हुड्डा और फिल्म के निर्माता ने यह फैसला किया कि चार्ल्स पर फिल्म बनाने से पहले चार्ल्स से मिला जाए। रणदीप हुड्डा किसी भी जब बायोपिक में काम करते हैं तो वो उस किरदार में पूरी तरह ढलने की कोशिश करते हैं। रणदीप हुड्डा और फिल्म के निर्माता कुछ क्रू मेंबर्स के साथ चले गए काठमांडू चार्ल्स स्वराज से मिलने के लिए। कई आवेदन किए गए जेल में लेकिन हर बार नाकामयाबी मिल रही थी। एक बार तो ऐसा भी लगा कि शायद उन लोगों की मुलाकात चार्ल्स से नहीं हो पाएगी। एक दिन रविवार का दिन था, रणदीप हुड्डा ने अपने आप को तैयार किया और कुछ लोगों के साथ पहुंच गए जेल। जेलर को उन्होंने अपने आवेदन दिए, जेलर उनसे मिले और उसके बाद जेलर ने कहा कि शायद चार्ल्स स्वराज तुम लोगों से नहीं मिल पाए। लेकिन रणदीप हुड्डा ने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मिन्नत की तो चार्ल्स स्वराज ने अंदर से ये खबर भिजवाई कि उन्हें पोस्टर दिया जाए। फिर इस फिल्म में कुछ पोस्टरें थी जो चार्ल्स स्वराज तक पहुंचाई गई। चार्ल्स स्वराज ने सभी पोस्टर को देखा, 3 पोस्टर को अपने पास रख लिया और बाकी पोस्टर पर अपना या ऑटोग्राफ करके उन्हें वापस भेज दिया। कुछ देर बाद खबर आई कि चार्ल्स उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। रणदीप हुड्डा जब चार्ल्स के साथ मिलने पहुंचे तो उनके साथ निर्माता भी थे। चार्ल्स के साथ फिल्म की जो यूनिट थी उसको 7 फीट की दूरी पर रखा गया था और इस 7 फीट की दूरी से चार्ल्स के साथ रणदीप हुड्डा की बातचीत हो रही थी। चार्ल्स ने कहा, मुझे लगता नहीं था कि मेरे ऊपर अगर कोई फिल्म बनेगी तो 2030 से पहले रिलीज होगी लेकिन तुमने मुझे हरा दिया, अब मुझे लगता है कि फिल्म पूरी होगी, गुड कास्टिंग। इस पर रणदीप हुड्डा ने कहा कि चार्ल्स ये हमने तुमसे ही सीखा है, ये फिल्म जरूर बनेगी। चार्ल्स रणदीप हुड्डा से 10 मिनट तक बात करते रहे और फिर उन्होंने ये भी कहा, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, तुम मेरे पास कभी आता, उन्हें मैं सुनाऊंगा और उन पर फिल्म बनाना। इतना होने के बावजूद भी चार्ल्स पर जो फिल्म बनी मैं और चार्ल्स वो सफल नहीं हुई। इस फिल्म को काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा और ये फिल्म धाराशायी हो गई। लेकिन चार्ल्स के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि चार्ल्स स्वराज
ताइवान में पैदा हुए थे, तब ताइवान पर फ्रांस का कब्जा था, यानी प्रभुत्व था 1944 में। इसीलिए चार्ल्स स्वराज को फ्रांस की नागरिकता बहुत आराम से मिल गई थी। चार्ल्स स्वराज काफी स्मार्ट थे, वो विदेशियों से काफी जल्दी दोस्ती कर लेते थे और उन्हें ड्रग्स देते थे। ड्रग्स देने के बाद उन्हें लूट लेते थे और उनकी हत्या कर देते थे। वो महिलाओं के साथ दोस्ती करने में काफी आगे थे, इसीलिए महिलाओं को जब वो मारते थे तो अधिकतर महिलाएं बिकनी में ही होती थी, इसीलिए उनका नाम बिकनी किलर पड़ा था। चार्ल्स पर एक सीरियस फिल्म बनाने की जरूरत है। वैसे आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि चार्ल्स स्वराज की जीवनी पर अगर कोई फिल्म बने तो उसके किरदार को कौन अच्छी तरीके से निभा पाएगा पर्दे पर, अपने कमेंट द्वारा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।